नमस्ते दोस्तों, मैं हूं भव्य बोरा और आप सबका स्वागत करता हूं शेयर इंडिया के यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि मैं आज आप लोगों के लिए 15 लाख के कैपिटल से ट्रेड्स करने वाला हूँ, तो मैंने आज आप लोगों के लिए 15 लाख के कैपिटल से थोड़े ट्रेड्स किए हैं और मुझे 1% से ज्यादा रिटर्न का फायदा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि पहले मेरा कल का वीडियो देख लीजिए और फिर ये वीडियो देखें ताकि आपको वो ट्रेड्स के पीछे का लॉजिक क्या था वो पता लगे। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले लेके जाता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी ने आज कैसी मूव दी दोस्तों, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट विद द टाइम फ्रेम ऑफ 5 मिनट्स। हमने आज टोटल 4 ट्रेड लिए हैं जिसमें से 2 प्रॉफिट हुए हैं और 2 में स्टॉप लॉस हिट हुआ है। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि हम आज सुबह मार्केट खुलते ही एक डिस्क्रिशनरी ट्रेड ले सकते हैं जो है पुट बेचना। तो दोस्तों हमने आज सुबह मार्केट खुलते ही 9:17 को 43,500 का पुट बेचा था, 250 क्वांटिटीज विद द स्टॉप लॉस ऑफ 10% एंड द टारगेट ऑफ 20%, और हमारा वो टारगेट 9:19 को ही अचीव हो गया था। 104 रुपए में मैंने वो पुट स्क्वायर ऑफ किया। सो मुझे ये ट्रेड में करीबन 24 रुपए का फायदा हुआ। मेरी क्वांटिटी थी 250, यानी मुझे ये ट्रेड में 6,000 रुपए का फायदा हुआ। सो ये तो था डिस्क्रिशनरी ट्रेड। मैंने ये ट्रेड में प्रॉफिट आते ही स्क्वायर ऑफ कर दिया। अच्छा हुआ स्क्वायर ऑफ कर दिया, वरना इस ट्रेड में पक्का मुझे लॉस लगता, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि खुलने के बाद बैंक निफ्टी ने तेजी नहीं की और इनफेक्ट थोड़ा नीचे आया है। सो बैंक निफ्टी आज पहले 1 घंटे बहुत ही वॉलेटाइल था। मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि मार्केट में ट्रेंड क्या है, हमें क्या करना चाहिए। और जैसे कि हमने कल ये डिस्कस किया था कि हम ऑप्शन स्ट्रेटेजीज में सिर्फ 2 ही स्ट्रेटेजी में काम करेंगे। एक है नॉन डायरेक्शनल थीटा डीके स्ट्रेटेजीज यानी स्ट्रेडल स्ट्रेंगल, और दूसरी डायरेक्शनल थीटा डीके स्ट्रेटेजीज यानी बुलिश पुट स्प्रेड या फिर बेरिश कॉल स्प्रेड। तो दोस्तों आज हमने एक डिस्क्रिशनरी ट्रेड लिया है, फिर हमने एक स्ट्रेंगल किया जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद हमने बेरिश कॉल स्प्रेड वाला ट्रेड लिया जिसमें हमें प्रॉफिट आया, और लास्ट में हमने और एक बार एक स्ट्रेंगल शॉर्ट करने की ट्राई की थी जिसमें वापस हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो देखते हैं मैंने ये सारे ट्रेड्स कब लिए और कौन से वाले ट्रेड्स लिए। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि सुबह 1 घंटा बैंक निफ्टी बहुत ही वोलेटाइल था और बैंक निफ्टी ने बहुत ही परेशान किया है, तो हमने बैंक निफ्टी को सेटल होने दिया और उसके बाद ही हमने हमारा पहला ट्रेड लिया। हमने हमारा पहला ट्रेड लिया 10:29 पे, इधर मतलब जब बैंक निफ्टी सेटल हो गया था तब हमने हमारा पहला ट्रेड लिया था शॉर्ट स्ट्रेंगल का, जिसमें हमने बेचा था 43,500 का कॉल और 43,300 का पुट। हमने बेचने के बाद उसे होल्ड किया था और हमें 20-25 रुपए प्रॉफिट भी आए थे, क्योंकि जैसे कि आप देख पा रहे हो बैंक निफ्टी वही रेंज में काफी समय तक था। ऑलमोस्ट 3 आवर्स बैंक निफ्टी वही रेंज में था, तो हमें उस ट्रेड में 20-25 रुपए प्रॉफिट भी आ रहे थे। बट क्योंकि हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया और बैंक निफ्टी ने जब मंदी करना चालू कर दिया तब हमारा वो ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट हो गया। लकीली बात यह है कि मुझे वो ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होने के वक्त स्लिपेज लगा है, बट वो स्लिपेज मेरे लिए पॉजिटिव प्रूव हुआ है। मेरा स्टॉप लॉस हिट होते वक्त सिर्फ 6 रुपए पे हिट हुआ है इंस्टेड ऑफ 15 रुपीज, तो मुझे वहां 10-11 रुपए का फायदा हो गया। उसके बाद बैंक निफ्टी ने जैसे ही मंदी करना चालू कर दिया और उसने पहले ही 2 बार डे लो को टच करके रिवर्स किया था, इस बार उसने डे लो को तोड़ दिया और नीचे आ गया। तो मैंने करीबन 131 को बेयर कॉल स्प्रेड वाली स्ट्रेटेजी अपनाई और मैंने उसमें 43,200 का कॉल बेचा और सामने 43,400 का कॉल बाय कर लिया। इस वाले ट्रेड में मुझे लगभग 20 रुपए का फायदा हुआ। मेरी इसमें क्वांटिटी थी 1,250 रुपए, मतलब यही वाले ट्रेड में मुझे 25,000 रुपए का फायदा हो गया था। मेरा कैपिटल था 15 लाख का, मुझे पहले वाले डिस्क्रिशनरी ट्रेड में
6,000 रुपए बचे थे, दूसरे वाले ट्रेड में मुझे थोड़े से पैसे लग गए थे, तीसरे वाले ट्रेड में डायरेक्शनल थीटा डीके वाले ट्रेड में मुझे 25,000 रुपए बच गए थे। इनफैक्ट ये ट्रेड में मेरा टारगेट 25,000 रुपए का नहीं था, मेरा टारगेट 1% 15,000 का ही था। लेकिन ये आप देख रहे हो कि बैंक निफ्टी ने जिस हिसाब से मंदी की है, मेरा टारगेट 15,000 का मैं जब बुक करने गया तब मुझे 25,000 वो देके गया। तो आज मेरे लिए काफी लकी सा दिन था क्योंकि मुझे सेकेंड ट्रेड में जो स्लिपेज है वो भी पॉजिटिव रोल प्ले किया और थर्ड ट्रेड में 15,000 के टारगेट के बदले मुझे 25,000 रुपए आ गए। उसके बाद फोर्थ ट्रेड मैंने जो लिया वो लिया करीबन 150 के आसपास। जब मैंने देखा कि बैंक निफ्टी कल की रेंज में आ गई है तो मैंने 43,300 का कॉल और 42,900 का पुट ये स्ट्रेंगल बेचा। बट जैसे ही मार्केट बढ़ा वो ट्रेड का मेरा 15 रुपए का स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर भी मैंने आज करीब करीब 26,000 रुपए कमाए ऑन माई कैपिटल ऑफ 15 लैक्स। अगर उसमें से मैं डिस्क्रिशनरी ट्रेड को अलग भी कर दूं जिसमें मैंने 6,000 रुपए कमाए थे, फिर भी मैंने आज 20,000 रुपए कमाए हैं ऑन द कैपिटल ऑफ 15 लैक्स और मेरा आज का 1% का टारगेट अचीव हुआ है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ अभी मेरे ट्रेड्स की तरफ। सो ये है मेरा डिस्क्रिशनरी ट्रेड वाली स्क्रीन, इसमें आप देख सकते हो कि 43,500 का पुट। मैं आपको ले चलता हूँ कि मैंने इसमें क्या ट्रेड किया है। ये है मेरी स्क्रीन, आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने 9:17 को 128 समथिंग में ये पुट बेच दिया और 9:19 को 104 में ये पुट मैंने बाय कर लिया, यानी मुझे इस ट्रेड में 24 रुपए का फायदा हुआ। इसमें मेरी क्वांटिटी थी 250 क्वांटिटी, इसलिए मुझे इस ट्रेड में 6,000 रुपए का फायदा हुआ है। और लकीली मैंने जैसे ही मेरा टारगेट अचीव हुआ मैंने पोजीशंस काट ली, वरना आप देख सकते हो कि ये वाले पुट ने 394 रुपीज का हाई मारा है। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ मेरी दूसरी स्क्रीन पे जिसमें मैंने ऑप्शन स्ट्रेटजीज की है। सो ये है मेरी दूसरी स्क्रीन जिसमें मैं ऑप्शन स्ट्रेटजीज करता हूँ। आप देख सकते हो कि मुझे इसमें M2M 20,700 मतलब करीब 20,000 रुपए का फायदा हुआ है। चलिए मैं अभी आपको नीचे वाली स्क्रीन में आपको दिखाता हूँ कि मैंने कौन से टाइम पे क्या ट्रेड्स किए। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैंने पहला ट्रेड लिया था 10:29 पे जो मेरा स्क्वेयर ऑफ हो गया 1:25 पे। मैंने फिर किया डायरेक्शनल थीटा डीके स्ट्रेटजी एट 131 जो तुरंत ही 134 को उसने टारगेट अचीव कर लिया, इसलिए मैंने वो स्क्वायर ऑफ कर दिया। और उसके बाद मैंने 149 के आसपास मैंने लास्ट ट्रेड लिया था जो था स्ट्रेंगल का, जिसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये था मेरा ट्रेड। सो ये थे मेरे ट्रेड्स। मैंने इस ट्रेड्स को बेटर फॉर्म में समझाने के लिए ये ट्रेड्स एक्सेल में डाल के रखे हैं जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ट्रेड वन जो मैंने किया था वो था डिस्क्रिशनरी, 9:17 को मैंने 43,500 का पुट बेचा था, 250 क्वांटिटी 128 में बाय किया था, 104 में मुझे टोटल फायदा हुआ 6,000 रुपए का। ट्रेड टू मैंने किया था शॉर्ट स्ट्रेंगल का जिसमें मैंने 43,500 का कॉल बेचा था और 43,300 का पुट बेचा था। मेरा कैपिटल था 15 लाख, इसलिए मैंने 225 क्वांटिटी ये स्ट्रेंगल में की थी। मैंने सेल किया था एट टोटल 80 रुपीज और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था 86 रुपीज पे। इसमें मुझे स्लिपेज का फायदा हुआ वरना मेरा स्टॉप लॉस हिट होता 95 रुपीज पे। सो मुझे इस ट्रेड में करीबन 1,350 रुपए का नुकसान हुआ। फिर मैंने तीसरा ट्रेड लिया बेयर कॉल स्प्रेड जिसमें मैंने 43,200 का कॉल बेचा और 43,400 का कॉल बाय किया। मेरा कैपिटल था 15 लाख इसलिए मैं 1,250 क्वांटिटी ये ट्रेड कर पाया। मैंने 43,200 का कॉल बेचा था 121 में, सामने 43,400 का कॉल बाय किया था 33 रुपीज के आसपास, तो मुझे नेट प्रीमियम रिसीव हुआ 88 रुपीज का। मेरा टारगेट जब हिट हुआ तब मैंने 43,200 का कॉल जो बेचा था वो स्क्वायर ऑफ कर दिया 91 में और 43,400 का कॉल जो मैंने बाय किया था वो स्क्वायर ऑफ किया 23 में, यानी मैंने 68 रुपीज प्रीमियम वापस दे दिए। तो मेरा टोटल फायदा हुआ 20 रुपए का
और मेरी क्वांटिटी थी 1250, तो मुझे इस ट्रेड में करीब 25,000 रुपए का फायदा हुआ। अब दोस्तों मुझे 25,000 का फायदा हो चुका था, मुझे पहले ट्रेड में भी 6,000 का फायदा हो चुका था, मुझे करीब करीब 30,000 रुपए आ रहे थे, मतलब मेरा दिन का 2% निकल चुका था। फिर भी मैंने और एक ट्रेड लेने की ट्राई की, क्योंकि मेरे पास बैकअप था मोर देन 1% का, इसलिए मैंने फोर्थ ट्रेड जो लिया वो था शॉर्ट स्ट्रैंगल का, क्योंकि बैंक निफ्टी कल के रेंज में आ गई थी और बैंक निफ्टी ने एक्चुअली यही रेंज में बंद हुई है, बट हमारा स्टॉपलेस हिट हो गया था, वरना हमें इस ट्रेड में भी प्रॉफिट मिलता। मैंने जो फोर्थ ट्रेड लिया था वो था 43,300 कॉल और 42,900 पुट, ये दोनों मैंने बेचा था, टोटल क्वांटिटी 225। मैंने जब बेचा था तब इसका प्राइसिंग था 39.09, टोटल 48, और मेरा स्टॉपलेस हिट हो गया एट 63, मतलब मुझे इसमें 15 रुपीस का लॉस हुआ। मेरी क्वांटिटी थी 225 रुपया, यानी मुझे करीब 3,500 रुपये का लॉस हुआ। फिर भी ये चारों ट्रेड करके मैंने आज के दिन में करीब 26,000 रुपये बचा लिए। अगर मैं इसमें से खर्चा और वो सब माइनस भी कर दूँ तो भी मेरे हाथ में मुझे 25,000 रुपये आज के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के ट्रेड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और हमारे स्ट्रेटजीज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और शेयर इंडिया की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।